वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं ऐसे शख्स से मिलने जा रहा हूँ और आपको भी मिलूंगा। वो शख्स बलोची दुनिया में, बलोची थाईलैंड में एक बहुत बुलंद मर्तबा रखते हैं। सो गाइस, मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा, चलो चलते हैं उस शख्स से मिलने। आज हम सर से बात करेंगे, सर यहाँ तक के प्रोजेक्ट क्लियर किए, कितना इनको करना पड़ा यहाँ तक पहुँचना। सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पूछा कि कब स्टार्ट किया। स्टार्ट मैंने 10 साल की उम्र से लिया था और यानी अपनी पढ़ाई भी साथ साथ की, तो यानी जाए बचपन से ही बहुत टफ थी और साथ साथ स्टडी भी कम्प्लीट की, उसके बाद अपने सिंगिंग पे ध्यान दिया। तो ये चीज़ें थी, तो लाइफ में देखें ऊँच नीच होती रहती है, लेकिन इंसान को हौसले नहीं हारने चाहिए। हम छोटे से बेसिक से थे, चाहे मैं हूँ चाहे जमीन हो, तो हमने अपने ही बलबूते पे किया। हालांकि मेरा अपना नाना भी वो बड़ा सिंगर है, हाँ वो अभी भाई उनके अंतर लोग उनके बदौलत मैं यहाँ पे हूँ और जमीन माशाल्लाह अपने वाले साहब के बदौलत, लेकिन हमने कभी भी उनका सपोर्ट नहीं लिया, हमने अपने बलबूते पे किया जितना भी किया, क्योंकि बचपन से ही हम इस तरह थे। तो मैं यंग जनरेशन को भी यही कहना चाहूँगा कि अपने बलबूते पर इंसान करें। हाँ, ये होता है कामयाबी लेट मिलेगी, मगर मिलेगी जरूर, क्योंकि वो सब आपकी हिम्मत पर डिपेंड करता है और तवक्कल रब पे किया जाए, तो ये बात है। और सर आप जैसे कि इंटरनेशनल बाल मॉल में दुबई ओमान वगैरह शूटिंग करते हैं, जी बिल्कुल। देखिए बात यही है कि मेन चीज़ है आपकी मेहनत। तो बेसिकली मैं पाकिस्तानी हूँ, कराची से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे फ़ख्र है खुद पे कि मैं बलोच हूँ। तो असल चीज़ ये है कि यानी मीडिया और क्राउड पब्लिक ही वो चीज़ है जो आपको फ्यूचर देती है, पब्लिक ही वो चीज़ है जो आपको नीचे देती है। तो आप में जो कुछ की हूँ अपनी पब्लिक की वजह से, तो आप मुझे इंटरनेशनल लोग लाइक इसलिए करते हैं कि मुझे पब्लिक का सपोर्ट है, और मुझे उम्मीद ही यही है अपनी पब्लिक से कि आगे भी मेरे को इसी तरह सपोर्ट देंगे और प्यार देंगे। बातें तो चलती ही रहेंगी, मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊँगा, चलो आज आ जाए आप इस तरह कुछ काम सुनते हैं। अच्छा जी, तो आप लोग ने सॉन्ग की बात की, तो मैं सॉन्ग आप लोग को सुना रहे थे। ओ बेहिजाबा ना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई, आंखों निकली लड़ी हूँ मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा है, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा गया, पर किसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा गया। सर एक और अपने मादरी जबान में आप लोग मना गिनते कने तो किनारा।
हमेशा तो आपने हमारे ताबिज सर का आवाज़ अच्छा लगा, ताबिज सर ने अपना कीमती वक्त निकाल के इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं सर ताबिज हमें आइंदा भी अच्छे वक्त रहेंगे। मेरा यंग जनरेशन को सिर्फ एक ही मैसेज है कि यानी रिस्पेक्ट अपने छोटों की भी करो और अपने से बड़ों की तो करो ही करो, लेकिन अपने से छोटों की भी करो और माँ बाप की दिल आज़ारी कभी नहीं करो, माँ बाप का प्यार लो, कभी उनकी बदुआ ना दो, वो छोटा सा चीज़ है सब भाइयों के लिए। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, हम जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे सिवा माँ कुछ भी नहीं है, ओ जरा मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला, ओ जरा होले हिलाओ माँ झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। थैंक यू सर।